तो गाइस आप देख सकते हो ये हमारे पास दो फायर स्टिक है, एक है हमारा MI TV फायर स्टिक है और दूसरा हमारा फायर टीवी स्टिक लाइट है। एक हमारा MI की तरफ से आ जाता है और एक हमारा Amazon की तरफ से आ जाता है। इन दोनों का फुल डिटेल रिव्यू वीडियो में ये वाला बनाने वाला हूँ और इन्हें कनेक्ट करके अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर की फीचर्स के बारे में बताऊंगा, इन्हें अपडेट कैसे करते हैं वो सब के बारे में भी पूरा बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा जिससे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हमारे दोनों फायर स्टिक में 1 GB रैम आ जाते हैं और 8 GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाते हैं। हमारा MI वाला जो है एंड्रॉइड के साथ आता है, एंड्रॉइड 9 आ जाता है इसमें। जो हमारा फायर टीवी स्टिक लाइट जो है इसमें आपको फायर OS मिल जाता है जो हमारा Amazon की तरफ से आता है और हमें ओनिडा के LEDs में ज्यादातर फायर OS देखने को मिलता है। और आपको इसमें गूगल असिस्टेंट मिल जाता है और इसमें भी आपको एलेक्सा मिल जाती है। और दोनों की कंपैरिजन की बात करो तो आपको कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, तो मैं आपको सिंपल एक सेटिंग बताऊं कि आपको ये वाला लेना चाहिए कि ये वाला लेना चाहिए। प्राइस रेंज के हिसाब से देखोगे तो दोनों ठीक ठाक है, बट मैंने पर्सनली इसे भी यूज करके देखा और इसे भी यूज करके देखा है। तो सिंपल आपको मैं बताऊं तो ये वाला आपको नहीं लेना चाहिए और ये वाला लेना चाहिए। रीजन इसे यूज किया तो हमें काफी लैग देखने को मिला और इसे यूज करने पे काफी स्मूथनेस मिला। मेरा कहने का मतलब अगर कोई आप LED यूज कर रहे हो तो उसमें अगर स्मूथनेस नहीं रहेगा तो हमें मजा बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो मैं आपको दोनों को चेक करके नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि इसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो मैं आपको सिंपल बताऊंगा कि हम इससे चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये बेनिफिट वाला प्रोडक्ट नहीं है। तो बेनिफिट वाला प्रोडक्ट जो हमारा ये है तो मैं इसके बारे में आपको फुल डिटेल रिव्यू दे देता हूँ, फटाफट से इन्फॉर्मेशन दे दूंगा तो ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ मैं आपका। हमारे बॉक्स में काफी सारे मटेरियल आ जाते हैं, जैसे कि देख सकते हो आप एक हमारा प्यारा सा रिमोट आ जाता है जो काफी यूनिक है। इससे पहले भी हमने ओनिडा का टीवी जो अनबॉक्सिंग किया था उसमें भी आपको अमेज़न का ही पूरा अंदर का फीचर्स फायर OS के थ्रू मिल जाता है और उसका रिमोट भी आप देखोगे तो काफी मिलता जुलता है इससे। कि हमारे बॉक्स में एक अडेप्टर आ जाता है, मतलब अगर आपका LED जो है कोने में लगा है हमारा फायर स्टिक नहीं लग पाएगा तो उसको लगाने के लिए एक दे देता है जो हमारा HDMI का इसमें कनेक्ट होगा और आपका वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा टीवी में। फायर स्टिक जो है ये भी आपके टीवी में ही कनेक्ट होगा, सबसे इम्पोर्टेंट यही हो जाता है। इम्पोर्टेंट देखने जाओगे तो सभी इम्पोर्टेंट है, मतलब एक ज्यादा इम्पोर्टेंट ये पड़ जाता है। अब बॉक्स में हमें अडेप्टर भी मिल जाता है और एक चार्जिंग केबल भी मिल जाता है। ये चार्जिंग केबल यहाँ पे लग जाएगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो ठीक है। हमारे रिमोट को चलाने के लिए AAA का 2 सेल भी दे देता है। भाई सबसे इम्पोर्टेंट यूजर मैनुअल जो हमारे किसी काम का नहीं है लेकिन आप जरूर से पढ़ना क्योंकि उसके अंदर आपको डीप घुस घुस के नॉलेज मिल जाएगा। तो इसके कनेक्शन की बात करूँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो हमारा फायर स्टिक है और ये हमारा केबल है। केबल आपका यहाँ पे दिख रहा है, पावर यहाँ पे केबल लग जाएगा और हमारा जो फायर स्टिक है आप डायरेक्ट आपके HDMI की पोर्ट्स में ऐसा डायरेक्ट आप लगा सकते हो, किसी भी पोर्ट्स में लगा सकते हो। अगर आपके HDMI का यहाँ पे गैपिंग नहीं है तो आप पहले इसे लगाइए, यूं इस तरीके से इसे लगाइए, फिर उसके बाद यहाँ पे इस अडेप्टर में आप इसे लगा दीजिए। ये भी सिंपल काम करता है। और हमारा चार्जर जो था यहाँ पे इसे चार्जर में प्लग कर दीजिए और इसे आपके बोर्ड में लगा दीजिए, फिर इसका कनेक्शन जो है चालू हो जाएगा। सिंपली हम अपने टीवी को चालू करेंगे, फिर आपने जिस HDMI में लगाया था उस HDMI पे आपको चले जाना। हमने अपने HDMI 1 में लगाया था, हम HDMI 1 पे चले गए हैं। तो स्टार्टिंग के कुछ सेटिंग है यहाँ पे आपको कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे सेटअप विद रिमोट पे चले जाना है और आपको यहाँ पे एक वाईफाई कनेक्शन सेलेक्ट करना है कोई भी। जैसे आपका वाईफाई कनेक्ट होगा यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने लग जाएगा, तो आपको वेट करना बस। हमारे फायर टीवी का अपडेट जो है 3 से 4 महीने में आते रहता है तो काफी अच्छा है। अब एक बारी मैं आपको बताऊंगा कहाँ से चेक करना है और अपडेट कैसे करना है, तो बने रहिएगा, पूरा ध्यान से वीडियो देखिएगा। आपको खास बात ध्यान रखना है, जब ये अपडेट होता रहे तो आपका टीवी जो है डिसकनेक्ट ना हो, मतलब लाइट आपकी जाए ना या फिर आप टीवी बंद ना करें। अगर आप टीवी बंद करते हैं तो फायर टीवी जो है खराब होने का चांसेस हो सकता है। स्टार्टिंग के कुछ प्रोसेस के बाद आपको ये वाला स्क्रीन आएगा, तो यहाँ पे आपको अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो मेंबरशिप, अगर आपको मेंबरशिप लेना है तो आप इसे ओके कर लीजिएगा, नहीं तो इसे स्कैन कर लीजिएगा, नहीं तो इसे बैक करके आप सीधा आ जाइए आपके होम स्क्रीन पे। तो नेक्स्ट वाला जो स्क्रीन आएगा आपको यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना है, जो जो आपको एप्लीकेशन चाहिए, जैसे कि हमें यूट्यूब चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करना है, नेटफ्लिक्स चाहिए नेटफ्लिक्स में क्लिक कर लेना है, और भी यहाँ पे एप्लीकेशन है जैसे मैक्स जियो सिनेमा, मैक्स प्लेयर, जियो सिनेमा, डिज्नी हॉटस्टार, जो जो आपको चाहिए सब यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सिंगल क्लिक में आपको सेलेक्ट हो जाने वाला है। तो नीचे आपको दिखेगा यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है नीचे साइड दिखा रहा है, आपको ये वाला ओके करना है, बटन दबाना, यहाँ से ये फिनिश पे ओके कर देना। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोफाइल दिख रहा है हम उसी से स्टार्ट करेंगे, जिससे आप लॉगिन करोगे आपको पूरा यहाँ पे शो हो जाएगा डायरेक्टली। तो आपको जैसे ही ओके करोगे आपको ये वाला होम स्क्रीन चालू हो जाएगा हमारे फायर टीवी का। फायर टीवी में ऑलरेडी अगर आप वाईफाई कनेक्ट करके रखे हो तो ये देख सकते हो, ये सब जो है आपको फ्री में देख सकते हो आप, ये सब पूरे मूवीज हैं जो भी मूवीज हैं यहाँ पे आप फ्री में देख सकते हो। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अपडेट का ऑप्शन कहाँ पे आता है और कैसे आप उसे अपडेट कर सकते हो। बाद हम इसकी क्वालिटी चेक करेंगे यूट्यूब की और इसमें ऑडियो कैसा आ रहा है और इसमें पिक्चर की क्वालिटी कैसी है।
सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पे माय फायर टीवी पे आके आपको ओके करना है। ओके करते ही आपको यहाँ पे लीगल एंड कॉम्प्लिकेशंस पे ओके कर देना है नीचे साइड में। फिर यहाँ पे आपको दिखेगा सॉफ्टवेयर एंड कॉम्प्लिकेशंस, यहाँ पे आपको ओके कर देना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे करते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन आपको मिल जाता है पूरा सॉफ्टवेयर का। अभी हमें अपडेट नहीं आया है तो यहाँ पे ऑप्शन शो नहीं कर रहा है सॉफ्टवेयर अपडेट का। जैसे ही आपको सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा यहाँ पर ही ये वाले ऑप्शन पे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन भी आ जाएगा। तो आपको वहाँ पे सिंपल क्लिक करोगे तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर अपडेट करने में आपको सिंपल ध्यान रखना है कि आपका टीवी बंद नहीं होना चाहिए। तो अभी हम चेक करते हैं हमारे यूट्यूब पे एक वीडियो प्ले करेंगे, देखते हैं क्वालिटी कैसी है पिक्चर की, और ऑडियो भी चेक करेंगे क्योंकि इसमें डॉल्बी ऑडियो भी सपोर्ट बोला है। तो हमारा टीवी जो है डॉल्बी ऑडियो देता है, प्रोवाइड करता है, देखते हैं। और हमारा टीवी जो है एचडी क्वालिटी भी प्रोवाइड करता है, तो देखते हैं कि कैसी क्वालिटी देता है वॉल्यूम की प्लस पिक्चर की। इसमें हमारा एलेक्सा भी वर्क करता है तो उसी से हम लगवाते हैं हमारा वीडियो। तो एलेक्सा के लिए हमें क्या करना है देखते हैं, कुछ सेटअप रहेगा उसका भी। तो गाइस हम अपने रिमोट के एलेक्सा को पहले सेटिंग करते हैं। तो एलेक्सा सेटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग हमारा कोने में है, कोने पे सेटिंग हमारा दिख जाएगा। फिर वहां पे आपको दिखेगा यहां पे एलेक्सा तो ऑलरेडी दिया हुआ है, बट हम यहां पे रिमोट एंड ब्लूटूथ डिवाइस, रिमोट पे यहां पे क्लिक करेंगे। फिर यहां पे हमारा अमेज़न फायर टीवी रिमोट कनेक्ट करने के लिए सारा ऑप्शन दे रहा है, तो इसी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर मांग रहा है, सॉफ्टवेयर के लिए ओके कर दे। हमारा एलेक्सा ऑलरेडी कनेक्ट हो जाता है तो उसे कुछ ज्यादा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो हमने वीडियो लगाया है, इस वाले में जो हमारा टीवी है ओनिडा का, इसमें जो अंदर का फीचर्स है वो भी फायर ओएस पे ही वर्क करता है, और हमारा ये फायर टीवी जो है ये भी फायर ओएस पे ही वर्क करता है। और ऐसा ही कुछ रिमोट इस टीवी में भी आपको देखने को मिलेगा, तो जरूर से इस टीवी को भी एक बार देखिएगा। चेक करते हैं कि वीडियो की क्वालिटी कैसी आ रही है। हम करने वाले हैं 43 इंच एलईडी टीवी का अनबॉक्सिंग और इस एलईडी का फुल डिटेल रिव्यू। हमारा 43 इंच का एलईडी टीवी जो ओनिडा ब्रांड का है, और इसका मॉडल नंबर 43FIV 43 इंच फुल एचडी टीवी करके इसका मॉडल नंबर आ जाता है। हमारे एलईडी सिंपल सी बात है, आपके एलईडी में जैसा वॉल्यूम रहेगा आपको वैसा वॉल्यूम की क्वालिटी मिलेगी। और गाइस एक मेरे को थोड़ा सा खराब चीज लगा, आपके रिमोट में यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाने का ऑप्शन नहीं देता है, आपके टीवी के रिमोट से ही आपको वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा। भाई फायर टीवी वाले रिमोट में भी आपको वॉल्यूम का ऑप्शन देना चाहिए था। तो भाई आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। और मैंने सीधा सिंपल आपको बता दिया कि ये वाला नहीं लेना, ये वाला लेना है, क्योंकि गाइस इसका प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे ये वाला काफी बेहतर लगा। तो मैं सोचा इसके बारे में क्यों ही आपको बताऊं। अगर आपको जानना रहेगा इसके बारे में तो मैं एक दूसरा वीडियो भी लेके आ जाऊंगा। ये वाला 5TB स्टिक लाइट है, इसके बाद भी वीडियो में लेके आने वाला हूँ 5TB स्टिक 4K करके मैं लेके आने वाला हूँ। तो कमेंट में जरूर से बताइएगा इस वाले पे भी आपको वीडियो चाहिए तो बोलिएगा, मैं लेके आ जाऊंगा वीडियो। बाकी 4K वाले पे तो वीडियो आने वाला ही है। बाकी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना और हमें फॉलो करना मत भूलना, और इसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से बाय भी कर सकते हो।